Hello everybody, good morning and a very happy Independence Day. तो हम अपने काम पे दोबारा शुरू हो चुके हैं. ये अभी तक हमने ये किया है, यहाँ पे पाम्स और ये दो ये लगा दिए थे और अब आज हम एक बहुत ही बड़ा काम करने वाले हैं. यहाँ पे एक हमारा ये वाटर टैंक पड़ा है, इस पे हम वाइट पेंट करेंगे और आज हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे इस जगह को भी थोड़ा सा हम सही कर दें. काफ़ी यहाँ पे ना मेस सा हो रखा था काफ़ी टाइम से. लास्ट टाइम हम ये गमले लेके आ गए थे और अब इनमें हमने ये पाम के पेड़ लगाने हैं. तो सोच रहे हैं अब ये उस जगह पे वहाँ पे जो भी क्लियर अप करना है वहाँ पे हम ये सेट करें. और मिट्टी हमारी यहाँ पे रूफ पे ख़त्म हो गई थी तो चिराग अभी फ़िलहाल वो ला रहे हैं. अभी थोड़ा सा यही आई है यहाँ, तो चिराग को मैंने इस चीज़ के काम के लिए लगाया है. तब तक मैं थोड़ा यहाँ पे ये एरिया जो है इसे थोड़ा मैं क्लियर अप करूँ जब तक चिराग आते हैं. तो ये रहे वो गमले. अभी मिट्टी भरने से पहले इनमें यहाँ छेद करना पड़ेगा. सो हेलो एवरीवन, आप सब देख ही पा रहे होंगे मैं कितनी मेहनत करके आया हूँ. अभी ये मेरी दूसरी टी शर्ट है. पहली टी शर्ट ऐसी हो गई थी पसीने में कि मैं ब्लॉग में आ नहीं सकता था, बिल्कुल पसीने में लथपथ. दो मंजिला मिट्टी चढ़ानी बहुत बड़ी बात है ये. उसके बाद ये सारा काम भी करना. आप सब ने देखा ना अभी तक मैंने कितना काम किया है. यही निकल गया. पौधे मैं लेके आई, ये साफ मैंने पूरा कर दिया, दो में छेद कर दिए, हाथ में दर्द हो गई. चलिए अपने स्ट्रगल्स भी आपके साथ शेयर करें. हम यहाँ अब सोच रहे थे मिट्टी भरें बट यहाँ तक इतनी तेज़ धूप आ चुकी है तो अब हम ये मिट्टी वापस अपने स्टोर रूम में शिफ्ट करते हैं और बाकी का काम अंदर से ही किया जाएगा. यहाँ बिछा दो. तो अभी ये जो हमारे चार हमने पॉट्स लिए हैं इनमें आज हम एक और चीज़, ये जो हमने गार्डन सॉइल है हमारे पास उसमें हम ये मिक्स करने वाले हैं. ये है कोको पीट, कोकोनट का फाइबर. ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था तो अभी हम इसको अपनी जो गार्डन सॉइल हम लेके आए हैं, जो चिराग जी नीचे से ढो के लेके आए हैं उसमें हम ये मिलाएंगे. तो आपको मैं ये भी बता दूँ कि ये कैसे यूज़ होता है. वैसे इसको सॉइल में मिलाने का ये मोटिव होता है कि ये कोकोपीट कोकोनट फाइबर जो है ये एक पॉट में मॉइस्चर को बनाए रखता है, पानी को मतलब एकदम से इतना ऐसे ड्रेन नहीं करता, थोड़ा उसको सॉइल में सोक करके रखता है. तो ये मैंने बकेट ली है, इसमें मैंने इतना ये पानी डाला है और अब मैं इसको इसमें रख रही हूँ. तो ये हमारी कोको पीट तैयार है. ये कोको पीट है कि कोको बीट है? पीट, BEAT. बहुत है? नहीं नहीं और जाएगी चिराग. और इसमें मिट्टी है, सॉइल भर दो ना. नहीं सॉइल तो भर दो, ये कोको बीट बहुत है इतनी. हाँ हाँ थोड़ी सी शायद और लगे. बीट है कि पीट है? यार पीट है चिराग, कोको पीट, कोकोनट फाइबर बोल लो आप, आपसे वो नहीं बोला जा रहा है. अगर सच में मेरे को तो अभी पता चला पीट है, नहीं तो मैं तो बीट ही समझता था. परसों जब उस दुकान पे गए थे गमले वाले पे मैंने तुमसे ही पूछा कि कोको बीट है. हाँ जी. तो ने मेरे को एक से बढ़कर एक है, करेक्ट करना चाहिए था ना. उन्हें भी नहीं पता होगा, वो भी बीट बोलते होंगे. बीट ही होगा, तुम ही आई है पढ़ी लिखी. यार पीट है चिराग, कोकोनट पीट, कोको पीट. अब नहीं सीरियस आपकी क्लासेस लेनी पड़ेगी मुझे. बोलो ए. चुप. बोलो बी. ABCD आती है मेरे को. चलो शुक्र है. आसेनार नहीं आता. सच में आ नहीं आता? हाँ बिल्कुल आता है मुझे. आ नहीं आता मुझे, आता है. हाँ तो मैं सुनाती हूँ. अ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग आह. ठीक है अब आगे है. क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र य.
यार इसका कलर इतना सुंदर लगता है ना, मुझे लग रहा है मेरा फेवरेट कलर ग्रीन हो गया है। अच्छा लग रहा है ना ये कोकोपीट से सोइल और मस्त है ना? और गमले भी ना बिल्कुल परफेक्ट साइज के आए हैं ना। इसमें थोड़ी सी और डाल देंगे ऊपर से? नहीं नहीं अलग से नहीं डालनी, चिराग सोइल के साथ ही मिक्स करके डालनी है। थोड़ा सा और ले लो ये। वैसे अगर आप में से कोई ये कोकोपीट यूज़ करना चाहते हैं, और जैसे अभी ये पूरी ब्रिक थी हमने यूज़ की, हम तो पूरी अभी के अभी ये पूरी चार गमलों के लिए यूज़ हो जाएगी हमारी, लेकिन अगर आपका ऐसा है कि आपको खाली एक गमले के लिए या दो गमले के लिए चाहिए तो आप ये सोचो ये पूरा हमारा ख़राब हो गया है, तो ऐसा नहीं होता है। ये इसमें हाँ ये थोड़ा सा ये फूल जाती है, थोड़ा इसमें पानी ये भरा होता है, बट ये देखो टपका नहीं है, पानी को इसने सोख लिया है। तो आप इसको काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं, आगे जब भी आपको कभी यूज़ में आए आपके। कितनी खुशी हो रही है, थक गए, खुशी हो रही है। आज तो पंखे में वो कर रहे हो काम आप। थैंक यू मालकिन एसी लगवाने के लिए। जीते रहो जीते रहो। चलो अब आपकी बारी, सुनाओ। ए बी सी डी ई। ज्यादा ही अंग्रेज बन रहे हो। आ ई ई ऊ ऊ ए ऐ अं अः। री कहाँ गया? री से ऋषि। री कहाँ को आता है सोचो, दोबारा बोलो। पहली बोल दिया, मेरे को नहीं आते। तो चिराग जी अब लग चुके हैं ये पेंट करने में। मुझे लग रहा है फर्स्ट कोट में ही बढ़िया हो रहा है चिराग। हाथों का जादू है। सूख गई टी-शर्ट या थर-थरी है? तुम सूखने दोगी? हैं एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा बता दे। चिराग ये कर रहे हैं और मैंने कुछ नहीं करना है। चुप रहो। देखिए ये मैं कल बाजार से लाई थी, हम बाजार से लेके आए थे। ना, मैं ही लाई थी। गिर गया। पर ना ये दिन में इतना इसका ना लुक नहीं आएगी, ये शाम को आपको एक झलक दिखाएंगे इस चीज़ के। पूरा ना ऐसे ऐसे इस पे देखिए, ये चारों हमने यहाँ पे ये रख दिए हैं। आई होप आपको भी पसंद आ रहे होंगे, हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस ये भी वाइट हो जाएगा, वाटर टैंक बहुत सुंदर लगने वाला है। और यहाँ तो ये है ही है यहाँ के लिए, यहाँ मतलब ये थोड़ा अभी पूरा ऐसे सेट होगा, होपफुली शाम तक हम कर लें। नहीं दूर से ठीक लग रहा था, अभी पास आके देख रहे ना तो दूसरा कोट तो लगेगा चिराग। देखिए थोड़ा और बेटर लग रहा होगा आपको जगह, ये देखिए टडा। और अभी तो यहाँ बहुत कुछ होना है वैसे सजावट के तौर पे। प्लीज़ आप सब भी कोई अपनी सजेशन हो कुछ हो हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, हम यहाँ और क्या ऐड कर सकते हैं, या कुछ आपको कुछ भी और शेयर करना हो तो प्लीज़ हमें बताइए। तो दो घंटे इंतज़ार करने के बाद ऐसे अभी भी सूखी नहीं थी, बट चिराग फिर भी इसमें लगा रहे हैं तो अब काफ़ी हद तक बेटर हो गया है। बस अभी ये जब फिनिश होता है यहाँ पे ये देखिए ये लाइट्स इस पे ये पूरा सजाते हैं, बट अभी टैंक पे हम लगा नहीं सकते क्योंकि ये गीला होगा, ये तो कल परसों तक ही सूखेगा। तो अभी खाली इसी पे ही हम लपेट देते हैं और थोड़ा सा दिन ढल जाए ना तो फिर आपको दिखाते हैं यहाँ का थोड़ा फाइनल लुक, क्योंकि ये लाइट जो है ये रोशनी में इतना ज़्यादा आपको दिखेगी नहीं, ये थोड़ा अंधेरा होने दो तब चमकेगी। ये पूरा पेंट खत्म। क्या हमारी मेहनत सफल होगी? हो गई बस, और कितनी। तो अभी यहाँ काफ़ी बारिश हुई और देखिए एकदम से मौसम भी साफ हो गया, और ये सामने रेनबो दिख रहा है। देहरादून की ना ये अच्छी बात है, यहाँ बारिश के बाद हल्का सा धूप भी निकले ना तो एकदम आपको रेनबो दिख जाएगा। सो फाइनली इट्स टाइम फॉर द बिग रिवील कि हम क्या करना चाहते थे अपने टेरेस गार्डन पे। तो कैसा लगा? तो ये हमने ये हमारे पास ऑलरेडी ये लाइट्स थी पहले से पड़ी थी, एक ये छोटी वाली हम नई लेके आए हैं बाज़ार से, और बस हमने खाली अभी यही किया है और इसी से इतना ना जगह ये अभी मतलब अलग सी ही हो गई एकदम, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ होती ही नहीं थी।
ये हमने अच्छा किया जो इसको वाइट पेंट कर दिया, क्योंकि ये अलग सा हरा था, नहीं चिरा जी तो बहुत ऑड लग रहा था। तो ये हो गया, और यहाँ से पूरी ये मैंने लड़ी पूरा ऐसे करके वहाँ तक ही लगा लिया। और ये हमारा छोटा सा टेरेस गार्डन अभी वैसे कह नहीं सकते, ये पूरा फाइनलाइज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ आइडियाज़, तो वो तो देखो आप कुछ काम करते हो तो आपको दिन ब दिन कुछ ना कुछ नया आपको आइडिया आता रहता है। तो अभी मुझे कुछ यहाँ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, बट अभी फ़िलहाल के लिए ना हम कुछ दिन के लिए अब टेरेस गार्डन से थोड़ा सा हम विश्राम लेंगे। तो क्योंकि मिट्टी भर के और वो पेंट वेंट में, और अच्छा मैं नहीं चिराग ने ही पेंट किया ये। हाँ वैसे इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं लगी है। इसमें कि सब में? देखिए झूठ ना बोलो, ठीक है, ये पूरा का पूरा चिराग ने पेंट किया है, ठीक है। फिनिशिंग देखो आप यार, क्या जबरदस्त। बुलाओ मैं यार मेरे को कभी टंकी पेंट कराने के लिए ऑर्डर दो मेरे को। तो मैंने भी पूरी ये लड़ी लगाई है, आपने इतनी सी भी मेहनत नहीं की है। तो दिवाली पे आप मेघा को बुलाओ, ये आपके घर पे लड़ियां लगा देगी। बिल्कुल, लड़ी लगाने में बहुत मुझे खुशी होती है, रोशनी हो एकदम जगमग जगमग। गार्डन में बैठने का मजा ही और है, नहीं? बढ़िया लाइटिंग और ये बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी तो इस पे और भी हमें काम करना है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, इस वीडियो में हम आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो एक कमेंट जो है वो है नवीन बब्बर जी का, उन्होंने लिखा है आई रेगुलरली वॉच योर ब्लॉग्स, वेरी वेल प्रेजेंटेड ऑल ब्लॉग्स। तो थैंक यू नवीन बब्बर जी, हमारी भी कोशिश रहती है कि हम थोड़े रेगुलर रहें अपने ब्लॉग बनाने में और उन्हें पोस्ट करने में, बट कभी कभार थोड़े बहुत हम लेट हो जाते हैं। आशा करते हैं कि आगे भी आपको सारे ब्लॉग्स अच्छे लगे हमारे, और हम भी अच्छे अच्छा कंटेंट बनाते रहें। आप भी हमें कोई सजेशन दीजिए कि हम आप क्या और देखना चाहते हैं, हमें भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। मीनाक्षी छाबड़ा जी लिखती हैं ब्यूटीफुल गार्डन। मैम अभी गार्डन तो बना ही नहीं है उस टाइम तो आपने देखा ही नहीं था, ये अब आप वीडियो देखिए और अब हमें बताइए कि अब आपको कैसा लगा है। एक और जो कमेंट है वो है भवर लाल केतु जी का, अच्छा काम करते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ बेहतरीन तालमेल है, और इसी से जीवन की सच्ची खुशियों की सौगात मिल सकती है। आप सदैव मस्त रहें और बेहतर वीडियो कंटेंट तैयार करके हमें खुश होने का जरिया निरंतर बनाए रखिएगा, हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप ऐसे ही अच्छी अच्छी कमेंट्स लिखिए और हमारी हिंदी और बढ़िया इम्प्रूव होती रहेगी। तो अगला ये कमेंट है योर हेयर, आप प्लीज़ अपना अगले कमेंट में इस वीडियो में आप अपना नाम भी प्लीज़ हमें बताइएगा, वो अपना शहर भी बताइएगा। हाँ अपना शहर भी बताइएगा। तो वो लिखते हैं वाह चिराग भाई क्या गार्डन बनाया है, आपने चिराग भाई ही क्यों किया, मेरी इनसे ज़्यादा मेहनत लगी है। मेहनत तो दिखती होगी किसकी ज़्यादा है ठीक है, मेहनत का फ्रूट जल्दी आएगा। फ्रूट क्या, भिंडी आई है जी दो भिंडी। आगे वो लिखते हैं सच में यार बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है गार्डनिंग करने में, आपके साथ तो मेघा जी हैं जो पूरी मदद करा रही है। कहाँ दिखी यार आपको मदद कराती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ना ये सारा जो करना है ना ये मेघा की सोच है, मैं मदद करा रहा हूँ और मेघा को ये सारा करना चाहिए था, तो मदद मैं करा रहा हूँ बट सारा काम मेरे से करवाया जा रहा है। सुनो ना आगे, आपके साथ तो मेघा जी पूरी मदद करा रही हैं, हमारी वाली तो गार्डनिंग में बिल्कुल मदद करती नहीं कराती। तो सर होप वो हमारा चैनल ना देखती हो और हम ये आपका कमेंट पढ़ रहे हैं, वो भी उन्हें पता ना चले, पता लगे आपको खाना ही नहीं मिल रहा शाम को नहीं नहीं आप अगर ऐसा है तो आप पहले उनको कुछ तोहफा दीजिए,
चिराग भी देते रहते हैं, कुछ इधर भी वो काम निकलवाना होता है, तो पहले उनको तोहफा दीजिए, उनको रिझाइए और फिर पूछिए एक बार कि गार्डनिंग में ज़रा हाथ बटाना। तो अगला कमेंट है सिंगसन SRG का, इन्होंने हमारी फूड ब्लॉग वाले पे वीडियो पे लिखा है रियली एंजॉयड इट, होप यू विल अपलोड मोर फूड वीडियोस। तो सर फूड वीडियोस तो हमारे बस की नहीं है ये अपलोड करानी, हम इतना नहीं खा सकते बाहर का, हम नहीं खा सकते खाना हमें 4 times चाहिए, बट मतलब ये हो सकता है कि हाँ एक महीने में एक फूड ब्लॉग आ सकता है अगर वो भी एक ही टाइम की डिश का, ये नहीं कि सुबह शाम तक हम खा सके। ज्यादा जो हमें क्रेविंग होती है ना खाने की, वो होती है हमें 11 रात के 11 बजे के बाद, अगर कभी हमको नींद ना आए तो वो रात को 11 बजे के बाद फिर तो हम उसका व्लॉग क्या बनाए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही हम ऑर्डर कर पाते हैं। एक और कमेंट है शुभम शर्मा जी का, इन्होंने लिखा है आप लोग हमारे छत्तीसगढ़ जरूर आए मेघा दी एंड चिराग जी। छत्तीसगढ़ हम एक बार अपने फ्रेंड की शादी में आए थे, रायपुर गए थे, बट कितना 2 दिन 2 रातें ही रहे थे और बस एयरपोर्ट से वहाँ होटल तक और बस होटल से वापस, तो हम कुछ खास देखा नहीं। छत्तीसगढ़ में मैंने सुना है कि एक सफारी होती है बड़ी अच्छी ना, तो उसके लिए हम सोचते हैं कभी प्लान बनेगा ना। नेशनल पार्क है कोई एक है, मतलब हमारे फ्रेंड ने ही बताया था कि होती है बड़ी अच्छी, तो होपफुली कभी छत्तीसगढ़ आएंगे। बहुत कुछ है, एक ही चीज नहीं है इंडिया में, बस कहीं भी चले जाओ किसी भी स्टेट में इतनी सब कुछ देखने का है ना। तो चलिए फिर इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं, और आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप हमें कमेंट्स में बताइए आपको हमारा ये जो हमने मेहनत की है ये कैसी लगी है, आपके कमेंट्स हम पढ़ेंगे तो उसी से ही हमें पता लगेगा कि कैसा लगा है आप सबको। ते हैं और अभी फ़िलहाल हमें मच्छर काटने लगे हैं तो यहाँ हम ज़्यादा देर बैठेंगे नहीं, अभी वापस भागते हैं और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो। टिल देन बाय बाय।